नितिन चौहान, हाँ 3 साल के बाद मैं आया हूँ शेरू क्लासिक में। आज है शेरू क्लासिक दिल्ली डे वन। हाँ, सबसे पहले मैं शेरू पाजी और मनीष पाजी को थैंक्स करना चाहूँगा जो इतना बड़ा शो कराते हैं इंडिया में। तो यू कैन टेल कि आपके करंट कोच कौन है? अभी मेरा करंट कोच है फ्लोरियन पोर्शन फ्रॉम फ्रांस एक्चुअली। एंड बिफोर दैट नीलवी। अच्छा, तो बता सकते हो कि जो आपके करंट कोच है तो उनके फीस बता पाओ? फीस विद डिपेंड अपॉन the goals and all. तो मेन आई एम IFBB प्रो। तो अभी मेरा प्लान सर मेरा ये सब अलग होगा नॉर्मल गाइडेंस से अलग तरीके से। प्रेप होता है लाइक से फॉर 6 मंथ्स में टोटल कितना बजट आ जाता है पूरा 6 मंथ्स का मिला के इंक्लूडिंग आपका डाइट सप्लीमेंट कोच का फीस एंड बाकी गियर वगैरह? देखो मेरा पर मंथ 120 तक आ जाता है। पर मंथ 120? तो उसमें सब कुछ लाइक सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन पार्ट, कोच फीस, कोच फीस अलग होता है एंड ड्रग्स एंड सम कोच फीस छोड़ के सप्लीमेंटेशन एंड एवरीथिंग इट विल कम लाइक 120,000। आप ये शेयर करना चाहेंगे कि लाइक मतलब गियर एक जरूरी पार्ट है तो कभी उसका आपने कोई साइड इफेक्ट फील किया हो? ना, मैं एक्चुअली मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैं अच्छा तरीके से गाइडेंस लेके करता है। मैं 3-4-5 साल से मैं फॉरेन कोचेस के अंडर प्रॉपर गाइडेंस में कर रहा है। कुछ चीज़ प्रॉपर गाइडेंस में करेगा उसका नुकसान भी नहीं होगा। आप अपने आप अपना बॉडी में एक्सपेरिमेंट करेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे आपने लास्ट ईयर प्रो कार्ड जीता था तो नेक्स्ट आपका क्या? तो क्लासिक क्लासिक तो नेक्स्ट बता सकते हैं कि आपका जब नेक्स्ट डेट पर जाओगे तो आपका वेट का क्या आपने गोल रखा है कि मैं इस वेट का कम्पीट करूँ? नो, आई हैव टू प्ले इन 87 किलो। लास्ट टाइम आई प्ले इन 79। आई कैन प्ले इन 83 ऑल्सो एट दैट टाइम बट आई गेट ऑन माई वेट टू 79 क्योंकि आई विल सी मोर बिगर इन दैट कैटेगरी। एक्चुअली आई कैन प्ले इन ए और बी बिकॉज माई हाइट इज इन बिटवीन दैट एक्चुअली। अच्छा, तो प्लीज टेल मी हु इज योर फेवरेट एथलीट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड? इंडिया सुनील यादव एंड शंकरा। अब्रॉड मेरा मेन फिजिक में जर्मी बुंडी है एंड क्लासिक फिजिक रफ डीजल एंड क्रिस्पॉन्सर इन बॉडी शूटर प्लस लुइस था। अभी डेरिक मेरा फेवरेट है। देन ओपन फिलिप मेरा फेवरेट है। क्या रीज़न है कि हमारे जो एथलीट्स हैं इंडिया के वो स्पेशली ओपन डिवीजन में इतना साइज गेन नहीं कर पाते लाइक वर्ल्ड से 250-265? तो हमारे क्या वो जेनेटिक्स नहीं है क्या, मतलब लैक ऑफ नॉलेज है या न्यूट्रिशन हम ढंग से नहीं पा रहे या कोचिज में या इतना नॉलेज नहीं है? यार इतना तो कोई भी नहीं बोल सकता क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन एक्चुअली। क्योंकि देखो हम लोगों का जेनेटिक्स है हमारे इसमें भी बट हम स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अभी देखो उन लोगों को अभी देखो 16 ईयर्स हो गया नहीं तो 15 ईयर्स से अच्छा गाइडेंस मिल रहा है बंदे को। वो एक टाइम तक ग्रो हो गया। हमारे इधर क्या होता है बॉडी बिल्डिंग में हमारे 55 कैटेगरी है 60 है 65। हम लोग थोड़ा टाइम में उसमें मेडल आने में ट्राई करते हैं। उन लोग ऐसा नहीं है, उन लोग डायरेक्ट वो क्रॉस होते हैं उतना गेन करके जल्दी 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 तरीके से आ रहे हैं। अभी कितना भी क्रॉस करते हैं तो ये वेरी है दे गेन दैट मच मसल इन द स्टार्टिंग एंड देन आफ्टर दे आर गेटिंग डाउन गेटिंग अप टू द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन उतरने के पहले उन लोगों में वेट ऐसा ही 100 किलो के आसपास करके उन लोग उतर जाते हैं। अभी आप देख लो नॉर्मली सबका ऐसा ही है। खेल रहे हो क्या? क्यों इतना पैसा किस पर क्या कोई प्रॉपर्टी है क्या? वही तो इसके लिए तो पूछा Very much.
मेरा पहला सीरियल का शतरंज नाम था सर की कॉन्स्टेंस जर्नी टू डे बहुत साल हो गए जी का गुप्ता प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज आपको लगता है कि 12 साल में करेंगे तो आपको मदद के लिए क्लियर हो जाएंगे या कभी 5 से 10 लाख आप सर से बात कर लो बगैर कुछ पूछे आपके डायरेक्टर मैं कोई मेरे जो बहुत ही अजीज दोस्त हैं जिनको मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ वो है परवेश मेहता वो एक राइटर डायरेक्टर एंकर है फीमेल में वो है और फीमेल में उन्हीं की बहन है जो एडिटर है उसका नाम है सेजल वेटर ये दोनों मेरे बहुत ही अजीज हैं और अगर मुझे कभी उनकी ज़रूरत पड़े तो हमेशा मेरी ज़रूरत पे खड़ा करेंगे हाँ मैं एक फिल्म कर रही हूँ इट्स अ ट्रायलिंग विद फिल्म और मेरे प्लेस चल रहे हैं मेरे 2nd और 3rd July को शोज हैं अभी दिल्ली में ही मेरे प्ले का नाम है रोमना थैंक यू मेरे साथ है ईशु ठाकुर ईशु कैसा है और भाई कैसा थैंक यू सर थैंक यू वेरी वेरी मच मैं बता दूं कि ईशु और मैं दोनों नोएडा आई वुड लाइक मिस्टर मनीष गांधी टू फेलिसिटेट सेक्टर नोएडा सेक्टर 46 में ईशु का टू बी कम टू द एंड तो ईशु ये बता कि जब लास्ट शो जब कंप्लीट किया था फिर अब तक तो फिजिक्स में क्या चेंज किया फिजिक्स में तो यार मुझे बहुत सारे चेंजेस लगते हैं लाइक मेरा बैक बैक ठीक हो गया है ओवरऑल शोल्डर टू इंक्रीज टू केमी एंड फॉर साइज भी ओवरऑल मेरा बड़ा हुआ है मसल मैच्योरिटी एंड खास कर कंडीशनिंग बहुत कुछ मुझे क्या है अच्छा तो जॉनसन की लाइन में जॉनसन है जॉनसन की लाइन में मेरे साथ है संग्राम चौधरी कैसे वेरी गुड और वेरी हैप्पी बिकॉज मैं यहाँ पे आया हूँ विद माई फोर ब्रांड्स जिसमें एक है एंड जॉब के बाद जिक्र है और एक मैंने एनर्जेटिक लॉन्च किया है जिसका नाम है वाइल्ड फायर तो दिस टाइम इन दिल्ली आई एम लॉन्चिंग माई वेरी हैप्पी आपको ये नहीं लगता कि आपने 3-4 साल पहले नहीं मैंने 6 साल पहले लिए एक्चुअली एक्चुअली दैट वॉज द राइट टाइम क्योंकि उसके बाद 3 साल तो लॉकडाउन लग गया था कॉम्पिटिशन से थे नहीं और बॉडी बिल्डिंग करने का टाइम भी निकल गया था बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं कि बॉडी बिल्डिंग क्यों करते बॉडी बिल्डिंग से आपको पैसा मिलता नहीं है बॉडी बिल्डिंग से आपको सिर्फ ब्रांडिंग करना रहता है आपका नाम बढ़ाना रहता है और मुझे लगता है कि उतना मैंने बनाया हुआ अभी एज भी नहीं है कि मैं उतना कॉम्पीट करूँ आगे करके और लोग इतने पहचान तो मेरे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं तो अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ कॉन्सेंट्रेशन करूँगा तो कैन डू माई बिजनेस बहुत टाइम हो गया तो मैंने 2001 में शुरू किया था सो तब डब्ल्यू उस टाइम पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वो ज़्यादा पॉपुलर थे अच्छा तो आजकल मतलब इंडियन के जो है एथलीट्स को मतलब काफ़ी जो फॉरन तो डू यू थिंक फॉरन कोचेज में इंडियन कोचेस ज़्यादा बढ़े जाए या ज़्यादा हमसे कॉपी है मतलब इंडिया में भी अच्छे कोचेज हैं बट लोगों को लगता है कि अगर हम वेस्टर्न किसी कोच से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी या कुछ बट मुझे ऐसे होता नहीं मैंने भी काफ़ी कोचेज का काम किया बट मुझे इतना कोई बेनिफिशियल नहीं लगा कि कुछ स्पेशल होता ही है सो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है इंडिया में भी काफ़ी अच्छे कोचेज अच्छा तो आप ये बताओ कि अगर बॉडी बिल्डर नहीं होते क्या होते हैं या क्या चाहते हैं मेरा जर्नी सारा काम है फिटनेस से रिलेटेड तो कोई फ्यूचर प्लान या कोई विश है कि विद इन 5-10 साल में मैं ये भी अचीव करना चाहता हूँ आई जस्ट वांट टू बी द बेस्ट कोच और ग्रो माय ब्रांड मतलब फिटनेस से रिलेटेड कोई जैसे कोई मतलब महंगी कार हाउस या कुछ का स्टार्टअप की तरह प्लान ना वो मैं सारा कुछ कीप करते हैं कुछ मेरे साथ हैं बिग बॉय जॉन लुकास Welcome, and this place is absolutely pumping. Or just to join the middle, I have to make you happy.
मेडल सब बड़े होते हैं और जो भी इंसान जहाँ से भी जीतता वो मेडल बड़ा ही होता है, क्योंकि वो मेरा जीता वो मेडल वो बड़ा है, क्योंकि जितने लोगों को नहीं मिला वो है ना, तो मेडल तो सभी बड़े हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैं जो वैसे जो टाइटल के लिए कह रहे हैं वो टाइटल कौन सा है, तो आपका यूनिवर्स मेरा सबसे बड़ा अभी लेटेस्ट है, एक महीना भी नहीं हुआ है, तो यूनिवर्स मेरा लेटेस्ट है। उससे पहले मेरा अमेच्योर ओलंपिया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, साउथ एशियन और नेशनल तो मैं बहुत बार खेला हूँ, और ऐसी कोई सी फेडरेशन, हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ आपको भी बताऊँ, ऐसी कोई सी भी इंडिया में फेडरेशन नहीं है अभी जो बन गई है। बात की बात है पहले जब मैं रनिंग में था अभी मतलब लॉकडाउन से पहले, तो उस फेडरेशन में मेरा नेशनल में गोल्ड नाम सब में लिया बाय गॉड, जो जेन्युइन डिसीजन, और जो मैं खेलता हूँ वो जेन्युइन फेडरेशन, जो नेशनल फेडरेशन है हमारी उसी में मैं खेलता हूँ, बट उसके अलावा मेरे ये कल है। तो भाई ये बताओ कि इस बार के आपने शेरू क्लास में कम्पीट क्यों नहीं किया? मैं तो शेरू क्लास में दो बार से कम्पीट नहीं किया, बिकॉज मैं तो बहुत पहले खेल चुका हूँ, काफ़ी 2017 में मैंने पार्टिसिपेट किया था अमेच्योर ओलंपिया में, सिल्वर मेडल सबसे पहले मैं ही लाया था और पहली कैटेगरी थी मेरी। उसके बाद में फिर उसके बाद 2018 में, इवन 2017 में दिल्ली में भी हुआ था, हाँ तो वो भी मैंने खेला था क्लासिक, उसमें भी मेरा मेडल था क्लासिक खेल के लिए, और 2018 में उसके बाद अगर एक्चुअली मैं रुका हूँ किसी वजह से तो लॉकडाउन कोरोना ने रुका नहीं, हम नहीं रुकते। और Where the fuck up?